please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लेकिन एक और मुद्दा गरम है और इसलिए सवाल कि क्या मायावती और अखिलेश का साथ मोदी का विजय रथ रुक पाएगा? क्या कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर भी बीजेपी की बढ़ती ताकत को रोक पाएंगे? मुद्दा गरम है मैं ये सवाल इसीलिए भी क्योंकि सीधे तौर पर ना सही लेकिन मायावती ने अखिलेश का साथ देने का तो फैसला कर ही लिया है। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में मायावती अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही है और दावा किया गया कि उनके समर्थक बीजेपी को हराने वाले सशक्त उम्मीदवार को अपना वोट देंगे। अब मायावती के समर्थक बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे तो जाहिर है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को इसका सीधा फायदा होगा। इसके साथ ही मायावती ने भविष्य की रणनीति की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी राज्यसभा में बीएसपी को समर्थन देगी तो विधान परिषद के चुनाव में समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करेगी। इन दोनों लोकसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में नहीं उतारे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पार्टी के लोग यहाँ अपना वोट डालने नहीं जाएंगे। अब इन दोनों सीटों पर खासकर बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियों में से जो मजबूत उम्मीदवार हैं तो उन्हें ही अपना वोट देने वाले हैं। कहती हमारी पार्टी के लोग मेरे पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक ही चलकर अब इन दोनों सीटों पर खासकर बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियों में से जो मजबूत उम्मीदवार हैं तो उन्हें ही अपना वोट देने वाले हैं। आज जब दोनों के बीच दोनों लोगों को जनता ने उनके भ्रष्ट कारनामों के कारण सत्ता से बेदखल किया, दोनों की लूट खसोट और अराजकता के कारण सत्ता से बेदखल किया, आज दोनों के बीच फिर से गठबंधन होने की चर्चाएं दिखाई दे रही हैं। दोनों एक होना चाहते हैं, जैसे लगता है कहीं कोई उफान आता है तो सांप और सिकंदर सब एक साथ मिल करके एक उसमें खड़े हो जाते हैं। आज वही स्थिति इन लोगों के बीच बन चुकी है। राकेश जी, अगर विपक्ष इस तरह से एकजुट हो रहा है तो बीजेपी के लिए परेशानी की बात तो है ही। हमारे लिए तो ये प्रसन्नता की बात है क्योंकि इस बात से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि विपक्ष पूरी तरह से हताश और निराश हो गया है। अब उसे और कोई चारा नहीं दिख रहा है, अपना वजूद बचाए रखने के लिए एकजुट हो जाना मजबूरी बन गई है। लेकिन ये एकजुट हो जाए फिर भी हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो जनता के हितों की बात करेगा जनता उसके साथ खड़ी होगी। लेकिन आप इसे विपक्ष की हताशा बता रहे हैं। सुनील यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। सुनील यादव, क्या वाकई ये हताशा है आप लोगों की कि आखिर आप ये नया कदम उठाने को मजबूर हैं जो आरोप बीजेपी का है? नहीं देखिए, ये हताशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सामंत विचारधारा के तहत काम कर रही है। ये दलितों को हिंदू नहीं मानते, पिछड़ों को हिंदू नहीं मानते। कल भी इनके नेताओं के बयान आए, ये सांप और न्योले का समझौता है। हमारी लोगों की यही लड़ाई है कि कम से कम आजादी के इतने दिन बाद जब देश में संविधान लागू हो गया, सबको बराबरी का हक मिल गया, तब भी आप पिछड़े और दलितों को क्यों सांप? नहीं सुनील यादव जी, अगर आप पिछड़े दलितों की बात कर रहे हैं तो ये विषयांतर होगा। सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर पहले आप अलग अलग लड़े थे तो अब क्यों जरूरत आन पड़ी कि आप जो एक दूसरे का विरोध कर रहे थे साथ आना पड़ रहा है? क्या ये बीजेपी का डर नहीं? नहीं, बीजेपी का डर नहीं है, राजनीतिक परिस्थितियां हैं। जब यहाँ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, खास तौर से अगर वर्ग विशेष को लेकर के उनका उत्पीड़न करने लगे, उनको अपमानित करने लगे जी, तो ये आपकी अपनी रणनीति है और उसके मुताबिक आप आगे चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी पार्टी भी है और इस वक्त सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस की ओर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या आप भी इस तरह के गठबंधन में शामिल होंगे, ऐसे कोई संकेत आपकी ओर से? देखिए, अभी तो ये उपचुनाव के लिए समर्थन बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को दिया है। हम लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस दोनों जगह पे मजबूती से चुनाव लड़ रही है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जब लोकसभा के चुनाव के लिए इस तरह के गठबंधन की बात आएगी तो कांग्रेस की भूमिका भी सकारात्मक होगी और तमाम विपक्षी दल जितने भी हैं, जिन लोगों को भी भाजपा के और उनके सांप्रदायिक एजेंडे नहीं, ये भविष्य की बात नहीं, अभी क्या अगर आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो विपक्ष को कमजोर नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के ओर से? आप क्या ये बात नहीं महसूस करेंगे?
प्रशांत, ये निर्णय मीडिया या आप नहीं देंगे कि हम क्या कर रहे हैं। सच्चाई है कि हर राजनीतिक दल को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है। बिल्कुल। और हम क्या मर्यादा भूलने वाले मंत्री पर सीएम योगी को कार्रवाई करनी चाहिए? क्या यूपी के मंत्री का मंच से विपक्ष के नेताओं को रावण सूर्पनखा बताना सही है? ये सवाल इसीलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने इलाहाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया है। यूपी के मंत्री नंदगोपाल ने मुलायम की तुलना रावण से, शिवपाल की तुलना कुंभकर्ण से और अखिलेश यादव की तुलना मेघनाथ से की। इतना ही नहीं, उन्होंने मायावती को सूर्पनखा तक कह दिया। अयोध्या राज्य के सहपई नामक ग्राम में जन्म लेंगे और आपका नाम रावण की ओर इशारा करते हुए बोले कि तुम्हारा नाम, आपका नाम मुलायम होगा और आप राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। तभी कुंभकर्ण बोले, हे प्रभु मेरा क्या नाम होगा? तब प्रभु राम ने कहा, आपको लोग शिवपाल के नाम से जानेंगे और आप हमेशा राज्य मंत्री ही रह जाएंगे। तभी मेघनाथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले, हे प्रभु मैं तो युवराज हूं। तब प्रभु राम ने कहा तुम भी युवराज ही रहोगे और तुम्हारा नाम अखिलेश होगा। तुम सन 2012 में जनता को मूर्ख बना करके एक बार धोखा देके धोखे से राज्य के मुख्यमंत्री बन जाओगे। सूर्पनखा उनके पास आई और बोली, प्रभु हमारा क्या होगा? आपने मेरे पूरे संपूर्ण परिवार का नाश कर दिया, अब मेरा क्या होगा? भगवान राम बोले, तुम भी कलयुग में मेरी अयोध्या पर राज करोगी, उस समय तुम्हारा नाम मायावती होगा, परंतु विवाह उस समय भी तुम्हारा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। तभी मायावी मरीच बोला कि हे प्रभु मेरा क्या होगा? प्रभु बोले, तुम भी मायावी ड्रामेबाज धोखेबाज रहोगे और लोग तुम्हें केजरीवाल के नाम से जानेंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं नंदगोपाल गुप्ता और उन्होंने ये विवादित बयान दिया, रावण कुंभकर्ण सूर्पनखा से विपक्षी नेताओं की तुलना की। लेकिन खास बात यह कि जिस वक्त ये बयान दे रहे थे, खुद योगी आदित्यनाथ भी उन मंच पर मौजूद थे। बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी फोनलाइन पर मौजूद हैं। शलभमणि, इस तरह से अगर आपके पार्टी के नेता पर कोई तुलना करे तो आपको तो बुरा लगता है? निश्चित तौर पर देखिए, भारत जो भाषा की शुचिता है, भाषा की जो मर्यादा है, भारतीय जनता पार्टी उसकी पक्षधर है और जो नंदी जी हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं, अपनी बात रख रहे थे। उनका कहने का जो आशय था वो कहीं ना कहीं जो पिछले 5 सालों में जो व्यवस्था रही उसको लेकर वो कहना चाह रहे थे। और मुझे लगता है कि इसको अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो पिछले 5 सालों के दौरान जो हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह की राजनीति रही है, उस पर अपना एक बयान दिया है। लेकिन इस तरह का बयान सार्वजनिक मंच पर क्या उचित है? मैंने कहा, देखिए हम इस बात के पक्षधर हैं कि कहीं किसी की भावनाओं को, किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। आपके शब्दों से भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, राजनीति में शुचिता होनी चाहिए। और नंदी जी जो अपनी बात कह रहे थे, उस बात का मुझे लगता है कि आशय समझने की जरूरत है। जो पिछले 15 सालों में उत्तर प्रदेश ने भुगता है, जाति पात के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पे, अराजकता के नाम पर, उसको लेकर आप भावनाओं को समझने की बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी नेता सुनील यादव भी हमारे साथ हैं। सुनील यादव, क्या भावना आपके समझ में आ रही है जो बीजेपी कह रही है, अगर इस तरह का बयान दिया जाता है मुलायम सिंह यादव और पूरे परिवार पर? एक तो भारतीय जनता पार्टी का संस्कार कैसे है, ये जो बयान आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों को उजागर कर, और दूसरी बात की आज धारा के लोग जो आरएसएस और बीजेपी में है वो दलितों और पिछड़ों को किस नजरिए, ये आप मानते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय मुलायम सिंह जी कई बार मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, सुश्री मायावती जी दलित नेता।